ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्यारे प्यारे शिव बाबा के अति मीठे, अति प्यारे, सिकीलदे नूरे रत्नों, विशेष आप सभी को नए वर्ष की मुबारक हो। साथ साथ हमारा विशेष जनवरी मास प्यारे बाबा की यादों के साथ हम सभी विशेष अव्यक्त मास मनाते हैं। इस जनवरी मास के अंदर हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा, जिन्होंने विशेष अपने अव्यक्त स्वरूप को प्राप्त किया, तो उस निमित्त हम सभी ब्राह्मण परिवार जनवरी मास हम सबके लिए तपस्या का मास आता है। जनवरी में हम यही कहेंगे कि हम सभी ब्राह्मणों की बैटरी को चार्ज करने के लिए विशेष हम सभी तपस्या करते हैं। तपस्या का विशेष लक्ष्य सबका रहता है, तो बाबा की इस स्मृति मास के अंदर हम सभी ब्राह्मण विशेष ब्रह्मा बाबा की जो स्मृतियां हैं, उन स्मृतियों को अपने स्मृति पट पर लाते रहते हैं। विशेष हम सभी ब्राह्मण आत्माओं ने अपने प्यारे ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा ने जो कर्तव्य किया, उस कर्तव्य को हम सभी देखते हैं और बाबा ने कैसे हम सभी को चुन चुन करके सारे विश्व में से निकाला और हम सभी को बाबा ने एकत्रित करके एक परिवार का बनाया। ये संगम युग ही ऐसा युग है जिस युग के अंदर हम सभी ब्राह्मण आत्माएं एक शिव बाबा की संतान पूरा परिवार आपस में मिलन मनाते हैं। सारे कल्प में ये आत्मा और परमात्मा का मिलन नहीं होगा, लेकिन संगम पर ही हम परमात्मा मिलन भी मनाते हैं और हमारा ईश्वरीय परिवार मिलन भी इस संगम पर ही होता है। वैसे हम सभी कहते हैं हम आत्माएं भाई भाई हैं, हम सारे कल्प आपस में एक दूसरे के साथ पार्ट बजाते हैं, लेकिन पार्ट बजाते हुए हमें किसी का परिचय नहीं होता है कि हम सभी का संबंध क्या है, लेकिन संगम युग पर ही हमें संबंध का, प्यारे बाबा का, परिवार का ये अनुभव होता है और इस अनुभव के आधार से हमें बहुत खुशी भी होती है कि बाबा ने हम सबको कितने बड़े बेहद के परिवार में खड़ा किया, लाया है। तो हम सभी बहुत बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं कि हमारा इतना बड़ा बेहद का परिवार है। जैसे ब्रह्मा बाबा को सदैव नशा रहता था कि मैं सारी विश्व की आत्माओं का पिता हूँ, तो हमें भी ये नशा है कि हम सभी बहुत बड़े बेहद परिवार के बच्चे हैं और हमारा परिवार का पिता कौन है? परम पिता परमात्मा, एक पिता की हम सभी संतानें हैं। तो जब एक पिता की संतान है और परिवार का मिलना होता है तो बहुत खुशी होती है कि बाबा ने हमको बेहद के परिवार में ला दिया है। और विशेष अभी ये लॉकडाउन के समय पर तो खास हमको सबको ये अनुभव होता है कि हम सारा विश्व हम एक परिवार है और सारे विश्व की आत्माएं हम सभी बहुत बहुत नजदीक आ गए हैं। वैसे तो मिलना नहीं होता है, लेकिन ये भी हम कहेंगे कि ये कोरोना आया और लॉकडाउन हुआ
और हम सभी विशेष आपस में मिलना नहीं होता, लेकिन ये जो कारण बन गया तो ये भी हम सबका सौभाग्य है। बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे, हर बात में कल्याण है। हाँ, तो वो कल्याण हर बात में क्या है वो हम बाबा के बच्चे जानते हैं कि जो भी होता है उसके अंदर कल्याण छिपा हुआ होता है। तो ये भी कल्याण है कि हम सभी आपस में मिलन मनाते हैं। तो आज भी आप सबसे मिलने का मुझे बहुत सौभाग्य मिला है, आप सबसे बात करने का सौभाग्य मिला है। साथ साथ जो प्यारे बाबा के साथ हमने अपना सारा जीवन बिताया, शेयर करने का मुझे सौभाग्य मिला है। हमेशा बाबा कहते थे कि बच्चे आप सभी बहुत सौभाग्यशाली हो, तो बाबा भी अपने को सौभाग्यशाली समझता था और हम बच्चों को भी बाबा हमेशा ये स्मृति दिलाते थे कि आप सभी बहुत बहुत सौभाग्यशाली हो। तो वास्तव में हम सबको ये बहुत अनुभव होता है कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि भगवान ने हमको अपना बना लिया है। आप सभी को भी ये नशा तो होगा ना कि शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमको अपना बनाया, हमें चुना है। हाँ, हम भगवान के चुने हुए फूल हैं, भगवान ने मुझे चुन करके निकाला है। कहाँ कहाँ से बाबा ने हम सबको चुनकर एक परिवार के अंदर इकट्ठा कर दिया है, नहीं तो आप लोग कहाँ थे, हम कहाँ थे, कभी मिलना ही नहीं हो सकता था। लेकिन ये भी मिलन किसने कराया? प्यारे बाबा ने कराया। तो प्यारे बाबा ने हम सबको एक परिवार में एकत्रित किया, ये हम सबका बहुत बहुत सौभाग्य है। भगवान ने हम सबको सौभाग्यशाली ही नहीं, पद्मा पदम भाग्यशाली बनाया है। बाबा हमेशा कहते बच्चे, अपने इस नशे में सदा रहो। जैसे बाबा को नशा सदा रहता था कि मैं क्या हूँ और क्या बनने वाला हूँ और बाबा ने मुझे अपना रथ बनाया, ऐसे हम बच्चों को भी सदा ये खुशी रहनी चाहिए कि हम सभी बाबा के चुने हुए रत्न हैं, चुने हुए फूल हैं। हाँ, अनुभव तो मैं यही कहेंगी कि मैं अपने को बहुत भाग्यशाली आत्मा समझती हूँ, क्योंकि भगवान शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के रथ में आए और उस बाबा के साथ हमें रहने का और बाबा के साथ का बहुत अच्छा अनुभव रहा। मैं तो यही कहेंगी कि बाबा ने ही मुझे अपना चुनकर बनाया है। जैसे हम कहते हैं कि मैं कल्प पहले वाली आत्मा हूँ, बाबा हमेशा कहता बच्चे अपने बुद्धि में सदैव ये रखो कि हम कल्प पहले वाले बाबा के बच्चे हैं और कल्प कल्प हम फिर बाबा के बच्चे बनेंगे। तो बाबा ने हम सबको चुनकर अपना बनाया है। तो मैं यही कहेंगी, मैंने बाबा को नहीं ढूंढा, लेकिन बाबा ने मुझे ढूंढा है, बाबा ने मुझे अपना बनाया। क्योंकि जब मैं ज्ञान में आई उस समय मेरी आयु 13 साल की थी और इतनी छोटी आयु में हमें बाबा का ज्ञान मिला, बाबा का परिचय मिला और परिचय के साथ साथ विशेष तो मैं यही कहेंगी कि बाबा ने ही मुझे अपना बनाया। जब हम ज्ञान में आए तो ज्ञान में आने का कोई ना कोई तो हमेशा कारण बन जाता है, तो हमारा भी यही कारण बना कि हमारे लौकिक फादर पहले इस ज्ञान में आए, क्योंकि वो बहुत नास्तिक थे, वो ज्ञान या भक्ति को मानते नहीं थे। लेकिन उनको जब ये ज्ञान मिला तो उनको बहुत खुशी हुई। हमारे फादर थे,
उनको ज्ञान की एक पॉइंट बहुत अच्छी उनके दिमाग में बैठी, बुद्धि में आई, और वो पॉइंट जब उनकी बुद्धि में टच हुई तो उस पॉइंट ने उनको बहुत आकर्षित किया। वो चित्र था, रावण अभी मरा नहीं है, उसके अंदर लिखा हुआ था, रामराज और रावण राज का चित्र था, और रावण राज्य के चित्र में लिखा हुआ था कि रावण अभी मरा नहीं है। तो उनको ये पॉइंट बहुत टच हुई। हम तो हर साल रावण को जलाते हैं और आपने लिखा है कि रावण अभी मरा नहीं है। तो उन्होंने बहनों से पूछा कि आपने ऐसा क्यों लिखा है। तो बहनों ने उनको समझाया कि रावण अभी मरा नहीं है, इस बात को समझने के लिए आपको 7 दिन हमारे पास आना पड़ेगा। तो फादर को ये कहा कि 7 दिन आपको समय निकालना पड़ेगा, आना पड़ेगा, और तब हम आपको समझाएंगे। तो उनको बहुत एकदम इंटरेस्ट था कि मैं जानू क्या बात है। तो उससे उन्होंने बहनों को कहा कि मैं जरूर आऊंगा, और फिर से उन्होंने जाकर 7 दिन का कोर्स शुरू किया। और कोर्स करते करते हमारे जो फादर थे उनके जीवन में बहुत परिवर्तन आ गया। वैसे वो भक्ति नहीं करते थे और ना ज्ञान में ही थे, एक कहे नास्तिक की तरह थे, लेकिन ज्ञान में आने के बाद जब कोर्स शुरू किया तो उनके जीवन में ये परिवर्तन आया। वो जल्दी उठ करके 5 बजे क्लास में जाते थे कोर्स के लिए, और बहुत वैसे गुस्सा करते थे, फिर बीड़ी सिगरेट भी आदि पीते थे, बहुत सिगरेट पीते थे, जिसके कारण हमारे घर के अंदर बहुत झगड़ा चलता था मम्मी का और उनका। लेकिन उन्होंने जब कोर्स शुरू किया तो बहनों ने कहा कि आपको ये सिगरेट पीना बंद करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, मैं बंद कर दूंगा, और उन्होंने उसी दिन सिगरेट फेंक दी और कहा मुझे आप ये समझाओ कि यहाँ जो लिखा है रावण अभी मरा नहीं है, आप मुझे ये सारी बात समझाओ। तो उन्होंने कोर्स शुरू किया, और कोर्स शुरू करने के साथ ही साथ उनके जीवन में सारा परिवर्तन आ गया। जो बाबा ने हमारी धारणाएं दी हुई हैं, जो हमारी दिनचर्या दी हुई है, वो धारणाएं उनके जीवन में आ गई और दिनचर्या भी उनके जीवन में अपनी आ गई। तो जिसके कारण हमारे सारे परिवार को इतना आकर्षण हुआ कि पापा के अंदर इतना परिवर्तन कैसे आया। तो हमारी मम्मी भी बोलती थी कि आप कहाँ सुबह सुबह में जाते हैं, तो हमको भी साथ में ले जाइए। तो उन्होंने कहा मैं अभी नहीं ले जाऊंगा, मैं कुछ समय के बाद आपको ले जाऊंगा। उसके बीच में कोर्स करते करते गुरुवार आया, और गुरुवार के दिन हमारे यहाँ हमेशा बाबा को भोग लगाते हैं। तो वैसे ही सेंटर पर भोग लगा, और भोग लगा जब भी तो उस समय 50 साल पहले बाबा को जब भोग लगाते थे तो संदेशियां भोग लगाती थी और संदेश भी आता था, और साथ साथ शिव बाबा संदेशियों के तन में आते थे। तो शिव बाबा संदेशी के तन में आए, और तन में आकर के हमारे फादर को उन्होंने दृष्टि दी और फल दिया और फूल दिया। तो वो फल और फूल लेकर के घर पे आए, और घर पे आकर के कहा कि ये प्रसाद है, भगवान ने मुझे अपने हाथों से दिया है, आप सभी भी इसको खाइए। तो हम सबको आश्चर्य हुआ कि भगवान ने आपको कैसे दिया। तो कहा भगवान ने मुझे दिया है, तो हमको भी भगवान को जानना है, पहचानना है। तो इसलिए ये एक आकर्षण पैदा हुई कि भगवान इस सृष्टि पर आया हुआ है और हमें भी अभी भगवान से मिलना है। तो ऐसे एक हम सबको आकर्षण थी। तो पापा को बोला कि हमको भी आश्रम पर लेकर चलो। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं सबको लेकर चलूंगा, वो समय आने दो।
तो उसी बीच में शिवरात्रि का प्रोग्राम आया, शिव जयंती का फंक्शन था, तो हमारे और भाई बहने सब सेंटर पर प्रोग्राम में गए। और जब वहाँ प्रोग्राम था जिस हॉल के अंदर, वहाँ बहुत अच्छा वाइट वाइट सारा हॉल सजाया हुआ था, और जैसे अपना हॉल होता है, और लाल लाइट भी वहाँ की हुई थी, और स्टेज पर दो बहनें बैठी थी। वो दो बहनें थीं हमारी सुदेश बहन, जो कि जर्मन में है, और आगरा की एक बिमला दीदी जी, वो वहां पर स्टेज पर बैठी योग करा रही थी। तो हम जैसे ही हॉल में हमने प्रवेश किया, और प्रवेश करते ही इतनी शांति और इतनी आकर्षण और इतना अच्छा लगा कि जैसे एक आत्मा हॉल में घुसते ही हम जैसे उड़ने लगे। तो जब हम हॉल में गए, वहां बैठे, तो मेरे को इतना आकर्षण हुई, कहा ये दीदियां कितनी अच्छी है, कितने अच्छे फरिश्ते जैसे लग रही हैं। तो मेरे को उसी संकल्प उसी समय संकल्प आया कि जीवन बनानी है तो ऐसी बनानी है, अभी मुझे ऐसा दीदियों जैसा बनना है। फिर तो प्रोग्राम चला, दीदियों ने अच्छा भाषण शिव जयंती के ऊपर सब समझाया। जब प्रोग्राम पूरा हुआ, उसके बाद हम सारा परिवार सेंटर पर गए। सेंटर पर दीदियों ने हमारी पर्सनल मुलाकात की, हम सबको भोग खिलाया, हम वहां पर बैठे, और कहा कि अभी आप लोग बाबा के घर आना। बस उसी दिन से हमने सेंटर पर जाना शुरू किया। हमने कोर्स भी नहीं किया उस समय पर, इतना कोई कोर्स वगैरह नहीं कराते थे। बस कहते थे शिव बाबा ज्योति बिंदु है, शिव बाबा आपका पिता है, आप आत्मा हैं, अपने को आत्मा समझ करके बाबा को याद करो। तो उस समय बस ये बुद्धि में बिठा दिया, आत्मा समझ करके बाबा को याद करो, तो वो बैठ गया। और जैसे कहते थे वैसे हम मान लेते थे, ऐसे नहीं था कि ऐसा क्यों कहा, कोई डिस्कशन करते, बस कहा आत्मा है और शिव बाबा आपका पिता है, तो बस वो मान करके उसी समय से हम बाबा को याद करने लगे और सेंटर पर रोज जाने लगे। सेंटर पर जाते जाते बस लक्ष्य यही था कि मुझे तो अभी ब्रह्मा कुमारी ही बनना है। फिर उसके बाद 3 मास के बाद हमें मधुबन जाने का सौभाग्य मिला। तो हम सभी पूरा परिवार मधुबन बाबा के पास गए। जैसे ही मधुबन में हमने पांव रखा और बाबा से हम बाबा के कमरे में मिले, बाबा कमरे में गद्दी पर बैठे हुए थे, और हम पूरा परिवार वहाँ बाबा के साथ गद्दी के नीचे बैठे, और बाबा ने हमें दृष्टि दी, बाबा ने बहुत प्यार से बात की। तो बाबा ने जैसे दृष्टि दी, प्यार से बात की, तो इतनी आकर्षण हुई हमको, इतना अच्छा लगा। मैं कहती जैसे बहनों को देख करके मन में आया कि मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है, और बाबा को देख करके तो जैसे कि हम दीवाने हो गए। कहते हैं ना, जैसे मीरा थी वो प्यार का अनुभव हुआ है, जैसे कहते हैं ना भगवान के लिए वो प्यार का सागर है। तो वो सागर हमें अनुभव किया बाबा, प्यार का, इतना बाबा ने प्यार किया, और प्यार से बाबा मिले। तो जब मिले उसके बाद हमने बाबा को कहा, बाबा मैं तो अभी ब्रह्मा कुमारी बनूंगी। बाबा ने कहा अच्छा बच्ची, रहना है भले रहना। तो ऐसे रहे। तो जब जाने का समय आया, तो मैंने बाबा को कहा, बाबा मैं तो अब जाने वाली नहीं हूं,
मैं तो आपके पास ही रहूंगी। तो बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची। फिर कहा, बच्ची अभी तो तुम बहुत छोटी हो, अभी तुम थोड़ी पढ़ाई करो। फिर उसके बाद मैंने बाबा को कहा कि बाबा, आप रोज मुरली में सुनाते हो कि विनाश हो जाएगा, हाँ। और उस समय बाबा की मुरली जब चलती थी तो मुरली के अंदर बाबा रोज ये कहता, विनाश हो जाएगा बच्चे, जो करना है वो कर लो। तो ये भी बुद्धि के अंदर बैठा हुआ था, विनाश हो जाएगा, जो करना है वो कर लो, विनाश हो जाएगा, जो करना है वो कर लो। तो मैंने बाबा को ही सीधा कहा, बाबा आप तो रोज कहते हो विनाश हो जाएगा, अगर विनाश हो गया और मैं पढ़ाई करने चली गई तो मैं पुरुषार्थ कब करूंगी। तो बाबा ने हंसते हंसते मेरे को कहा, बच्ची बाबा तुम्हारे लिए विनाश रोक लेगा, तुम पढ़ाई करके आओ। तो फिर बाबा ने जब ऐसे कहा तो हम बाबा के आगे कुछ बोल नहीं पाए। अच्छा भाई, जो आज्ञा मिली, जो श्रीमत मिली, जो बड़ों ने कहा वो करना है। तो बाबा ने कहा कि बच्ची अभी तुम पढ़ाई करके 1 साल पूरा करके फिर आना, बाबा तुमको सेंटर पे रखेगा। तो जो बाबा की आज्ञा मिली और उस अनुसार हम फिर अपने मम्मी पापा के पास साथ वापस अपने सेंटर पर चले गए। उस समय हम मथुरा में रहते थे, जो श्री कृष्ण की नगरी है मथुरा, उस मथुरा में हम रहते थे। तो वापस हम वहाँ चले गए। फिर हमने पूरी 1 साल अपनी पढ़ाई की, पढ़ाई के साथ साथ हम रोज सेंटर पर भी जाते थे, एक दिन भी क्लास मिस नहीं करते थे। हमारे पापा को इतनी लगन थी बाबा की, और वो हमेशा एक ही बात कहते थे, मैं अकेला स्वर्ग में नहीं जाऊंगा, मैं सबको साथ में लेकर के जाऊंगा। तो हमारा पूरा परिवार सुबह में इतना जल्दी उठ करके तैयार होकर के हम सेंटर पर जाते थे। उस समय हमारे सेंटर पर क्लास 5 बजे होता था, तो 5 बजे सेंटर पर पहुंचना होता था। तो हम 3 बजे उठकर नहा धोकर तैयार होकर रोज क्लास में जाते थे, 5 बजे क्लास करते थे, क्लास से वापस 7 बजे घर पर आते थे, और घर पर आकर फिर स्कूल जाते थे। तो ये हमारी सारी दिनचर्या थी, ऐसे 1 साल रोज क्लास में जाना, और बस एक ही लगन थी, धुन थी, मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है, मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है, मुझे बाबा के पास जाना है, मुझे बाबा के पास जाना है, वो ही धुन, कैसे भी करके मुझे बाबा के पास जाना है। तो बस पढ़ाई करते 1 साल पूरा हुआ, हमने एग्जाम दी। एग्जाम जैसे ही पूरी हुई, वैसे हमारी मथुरा की पार्टी मधुबन जा रही थी, तो हम पार्टी के साथ मधुबन बाबा के पास गई। और बाबा के पास गई उसके बाद मैंने कहा, बाबा अब तो मैं वापस नहीं जाने वाली हूँ, अभी तो मैं आपके पास ही रहूंगी। बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची। तो बस मेरा भी इतना बाबा से प्यार था, और बाबा का भी मेरे से बहुत प्यार था, बाबा मुझे बहुत प्यार करता था। जैसे मैं अपने लौकिक माँ बाप के साथ मेरा प्यार था, बच्चे हमेशा माँ बाप के साथ बैठते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ऐसे मैं भी बाबा के साथ साथ ही साथ रहती, जहाँ बाबा जाता बाबा के साथ उंगली पकड़ के जाती, बाबा क्लास में जाता तो मैं बाबा की उंगली पकड़ के जाती, बाबा कहीं बाहर जाता तो बाबा की उंगली, बाबा ऑफिस में बैठता तो भी, क्योंकि मुझे और तो कोई काम ही नहीं था, बाबा के साथ, बस बाबा के साथ ही साथ जाती। एक दिन बाबा ऑफिस में बैठे हुए थे तो मैं बाबा के गले में हाथ डालकर वहां बैठी खड़ी थी बाबा के साथ। तो उस समय लच्छू दादी, जो बाबा को संभालती थी, बाबा की ब्राह्मणी थी, मधुबन में आपने देखी भी होंगी लच्छू दादी। तो लच्छू दादी बाबा के पास आई, और लच्छू दादी ने बाबा को कहा, बाबा आपका जो भोजन बनाती है बहन, वो अपने घर गई है, ये प्रभा बच्ची बनाएगी।
तो बाबा ने कहा ये बनाएगी वो बच्ची, ये बच्ची बनाएगी और इस बच्ची को बाबा का खाना बनाना सिखाना। तो बाबा ने जो आज्ञा की, हमेशा जो आज्ञा बड़ों की होती है वो हमें आज्ञा माननी है। मैं कभी कोई बात में ना नहीं करती थी, जैसे कहा बड़ों ने वैसे मुझे करना है। तो बाबा ने उस समय कहा कि ये बच्ची भोजन बनाएगी, तो बस हमने कहा बनाएंगी। तो फिर बाबा ने कहा इस बच्ची को बाबा का खाना बनाना सिखाना। बाबा हमेशा ज्यादा नाम नहीं लेते थे, हाँ बच्चे कहते थे बच्ची फलानी बच्ची फलानी बच्ची फलाना बच्चा। तो बाबा ने कहा ये प्रभा बच्ची बनाएगी। तो बस उस समय से हमने बाबा का भोजन बनाना शुरू किया। अब बाबा का भोजन जब हम बनाते थे तो बाबा का जो किचन था, वो किचन जहाँ आप सभी अभी बाबा का कमरा पांडव भवन में देखते हैं, बाबा का वही कमरा था। और कमरे के बाजू में, जैसे हम बाबा के कमरे में जाते, बाबा की भंडारी भी रखी हुई है। जहाँ भंडारी रखी है उस वहां अभी तो दीवार की है, उसके आगे वहां ही एक छोटा सा स्थान था जहां बाबा का छोटा किचन बना। उस किचन में हम बाबा का खाना बनाती थी। तो जब बाबा का खाना बनाती थी तो बाबा आते जाते अपने कमरे में, बाबा मेरे को किचन में आकर के हमेशा बाबा याद कराता था, बच्ची किसका खाना बना रही हो, याद है? क्योंकि बाबा हमेशा कहते बच्चे भोजन योग युक्त होकर के बनाओ, बाबा की याद में बनाओ, किसके लिए बना रहे हो वो स्मृति में रखो। तो बाबा मुझे याद कराता बच्ची किसके लिए खाना बना रही हो। तो मैं बाबा को कहती थी बाबा मैं शिव बाबा के रथ के लिए भोजन बना रही हूँ। तो मतलब बाबा हमेशा बार बार हमको ये स्मृति दिलाता था कि बच्चे जो भी कार्य कर रहे हो, जो भी करते हो, वो शिव बाबा की याद में रह करके करना चाहिए। तो बाबा की याद में ही मैं भोजन बनाती थी और भोजन बना करके फिर मैं बाबा को ही अपने हाथों से परोस करके खिलाती थी। तो भोजन बनाना ये तो एक सौभाग्य मुझे मिला कि मुझे भगवान का भोजन भोग बनाने का ये सौभाग्य था, और मैं इसमें अपने को बहुत भाग्यशाली भी समझती हूँ। क्योंकि मैंने जो भोजन बनाने की जो मेरे को सेवा मिली, उस सेवा से मैं बाबा के बहुत नजदीक और करीब आई, और बाबा के साथ रहने का मुझे बहुत मौका मिला। वैसे तो बाबा के साथ रहने का मौका इतना नहीं मिलता, क्योंकि बाबा के साथ जो मिलने का क्लास के समय चलो मिल लिए, ऐसे कभी बाबा के कमरे में गए तो मिल लिए, लेकिन साथ में रहे वो मौका अगर मुझे भोजन बनाने का न मिलता तो वो नहीं मिलता। तो बाबा के साथ हर साथ हर समय रहने का मुझे समय मिला, क्योंकि मैं सुबह में 5 बजे बाबा के कमरे में जाती थी और दिन में 2 बजे तक बाबा के साथ बाबा के कमरे में ही थी, क्योंकि बाजू में ही किचन था, वहां ही खाना बनाना खिलाना देना करना साथ में होता था। 2 बजे बस 1 घंटे के लिए मैं अपने कमरे में रेस्ट के लिए जाती थी, फिर 4 बजे फिर मैं बाबा के कमरे में जाती थी। बाबा 2 से 4, 2 घंटा मतलब रेस्ट करते थे, तो 4 बजे फिर बाबा के कमरे में जाती, 4 से फिर रात को 11 बजे तक मैं बाबा के पास रहती थी। तो मतलब मुझे बाबा के साथ इतना समय रहने का मौका मिलता था। तो ये भोजन बनाने की ड्यूटी मुझे 3 मास के लिए मिली, और ये ड्यूटी जो मिली तब बाबा की कर्मातीत अवस्था के समय पर मिली, क्योंकि ये हमारे
हम 68 में मधुबन में बाबा के साथ थे और बाबा ने 69 में अव्यक्त हुए बाबा। तो 68 में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 3 महीने हम बाबा के साथ मधुबन में रही और बाबा का भोजन बनाया। और 3 महीने के बाद जो हमारी दीदी थी वो मधुबन आए और उन्होंने बाबा को कहा कि बाबा मेरे को प्रभा को मेरे साथ भेज दो। उनको काम था, कहा मेरे को सर्विस है, ले जाना है मेरे को प्रभा को। तो बाबा ने कहा अच्छा बच्ची, आपको आपकी दीदी बोलती है तो जाओ। तो मैंने बाबा को कहा, बाबा मैं आपको छोड़कर कहीं जाने वाली नहीं हूँ, मैं तो आपके साथ ही रहेंगी। लेकिन हमारी जो दीदी थी वो हमको कहा, नहीं बाबा मुझे काम है, ये सेवा है और मुझे ले जाना है। मैं बाबा को कहती रही बाबा मैं नहीं जाऊंगी, और हमारी दीदी कहती रही मेरे को ले जाना है। तो बाबा ने फिर कहा, बच्ची देखो बच्ची को जरूरत है ना, तो तुम भले जाओ। तो मैंने कहा नहीं बाबा मैं नहीं जाएंगी। तो बाबा ने फिर हमारी दीदी को कहा कि देखो बच्ची की दिल नहीं है ना, तो आप नहीं ले जाओ। तो उन्होंने कहा नहीं बाबा, और जो हमारी दीदी थी थोड़ी एजेड थी तो उनको कोई साथ में चाहिए था। और हमारी जो दीदी, आप सभी जानते होंगे ब्रिजमोहन भाई जो दिल्ली में है, ब्रिजमोहन भाई की लौकिक माँ थी जो मथुरा सेंटर संभालती थी। तो उनको ब्रिजमोहन भाई नांगल में थे और वहाँ उनकी जॉब थी और वहाँ सेंटर भी था, वो सेंटर में ही रहते थे। तो उनको वहाँ जाना था। तो कहा बाबा मैं अकेली कैसे जाऊंगी, मैं प्रभा को साथ में लेके जाऊंगी, इसलिए आप मेरे को प्रभा को भेजो। तो बाबा ने कहा बच्ची भले आपको कह रही है तो आप चले जाओ। लेकिन फिर भी मैं बाबा को मना कर रही थी। तो बाबा ने फिर कहा कि बच्ची की अगर दिल नहीं है तो नहीं ले जाओ। लेकिन दीदी ने जबरदस्ती की, इसलिए फिर मैं, हम छोटे थे बड़ों को मना नहीं कर सकते। तो फिर बाबा ने कहा और हमारी दीदी ने कहा तुम बाबा के दीदी के साथ चली गई। गई तो सही, लेकिन बाबा को छोड़ना माना जैसे एक मेरे सिर पर पहाड़ गिर गया हो। और वो बाबा से बिछुड़ना मेरे को बहुत फील होता था, क्योंकि बाबा मुझे बहुत याद आता था। बाबा से मेरा इतना प्यार था, इतना प्यार था कि मैं बाबा से एक मिनट भी अलग नहीं होना चाहती थी। और अभी मेरे को बाबा को छोड़कर जाना पड़ा तो मेरे को बहुत दिल में लगा, लेकिन मैं बोल नहीं पाती थी, पर दिल में बहुत फील होता था। और दिल में बहुत मतलब फील होता था तो मेरे को रोना भी बहुत आता था कि मैं बाबा को छोड़ के आ गई। और बाबा की याद मुझे इतनी आती थी, इतनी आती थी, जैसे कि बाबा मेरे सामने ही, आंखों के सामने से बाबा हटता ही नहीं था। फिर हम नांगल चले गए दीदी के साथ, वहां पर भी हम करीब 15-20 दिन हुआ था और जनवरी मास में बाबा अव्यक्त हुए। तो फोन आया कि ऐसे ऐसे बाबा अव्यक्त हो गए हैं। तो जो हमारी दीदी थी वो और जो ब्रिजमोहन भाई थे वो दोनों हमको वहाँ ही छोड़कर बाबा के पास मधुबन, बाबा की क्रिया विधि में पहुँच गए। तो जब मधुबन हमको छोड़कर के चले गए तो मेरे को बहुत बहुत फील हो रहा था, क्योंकि पहले से ही बाबा से मैं बिछड़ी थी तो वो मेरे को दिल में बहुत लगता था। और फिर उस समय पर वो मेरे को मधुबन लेकर के नहीं गए तो मुझे बहुत रोना आता था। और उस समय बाबा हमेशा मुरली के अंदर एक बात सुनाया करते थे कि बच्चे जिन बच्चों का योग होगा ना वो बच्चे अंत समय बाबा के पास पहुंच जाएंगे। तो ये बात मेरे दिल में आती थी कि जिनका योग होगा वो बाबा के पास पहुंच जाएंगे। तो मैं बाबा के पास नहीं पहुंच सकी
तो इसका मतलब मेरा योग नहीं था। तो मुझे ये बात याद करके भी बहुत रोना था, बाबा से मेरा योग नहीं था, बाबा से मेरा योग नहीं था, बाबा से मेरा योग नहीं था। और मेरा योग इतना कच्चा था कि मैं बाबा के पास नहीं जा पा। तो ये बुद्धि में आता था और मेरे को रोना आता था। इतना रोती थी कि बात मत पूछो। तो उसी समय एक दिन रोते रोते, जब भी बाबा व्यक्त हुए, अभी तो भाई साहब और दीदी वापस भी नहीं आए थे मधुबन से, तो मैं रोते रोते ऐसे पलंग पर थोड़ा लेटी थी, रोना आ रहा था, बस वही बुद्धि में बाबा 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 बाबा। तो बाबा ने पलंग पर लेटी थी तो बाबा मेरे सिर के ऊपर आकर के खड़ा हुआ और मेरे सिर पर हाथ रख करके बाबा ने कहा, बच्ची मैं तो तेरे साथ हूँ ना, मैं कहाँ गया हूँ, मैं तेरे साथ हूँ बच्ची, मैं तेरे साथ हूँ। और बाबा मेरे सिर पर हाथ घुमा रहा है, ऐसे बाबा हाथ घुमाता रहा, बच्ची मैं तेरे साथ हूँ, बच्ची मैं तेरे साथ हूँ, बस यही आवाज, बच्ची मैं तेरे साथ हूँ, मैं कहाँ नहीं गया हूँ, मैं कहाँ नहीं गया हूँ, ऐसे मेरे को फीलिंग आती रही। लेकिन फिर भी मुझे रोना आता था। फिर भी ऐसे करते करते जब भाई साहब और दीदी वापस आ गए, लेकिन फिर भी दिल में बाबा तो चला गया, बाबा तो चला गया, बाबा तो चला गया। लेकिन बाबा मुझे ये बार बार स्मृति दिलाता था, मैं जहां जाऊं बैठती तो बाबा मेरे साथ में, कहीं चल तो भी बाबा मेरे साथ में, सोती तो भी बाबा मेरे सिर पे हाथ खड़ा होकर मेरे सिर पे हाथ घुमाता, बच्ची मैं तेरे साथ हूँ, बाबा मेरे को, जैसे एक आवाज आती थी बाबा मेरे साथ है। तो मेरी बुद्धि के अंदर जब तक ये पक्का नहीं हो गया कि बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, बाबा कहीं गया नहीं है, तब तक बाबा ने मुझे ये अनुभूति कराई, अनुभव कराता रहा कि बच्ची मैं तेरे साथ में हूँ। तो बाबा ने मुझे अपने साथ का अनुभव कराया। इस प्रकार से साथ का अनुभव करती रही, तब फिर मेरा रोना कहीं कम हुआ। और ऐसे करते करते 2-3 महीने निकल गए। फिर उसके बाद मैं वहाँ ही थी, नांगल में सेवा करती थी। बीच में बस दिल के अंदर ये आता था, कैसे भी करूँ और मैं मधुबन जाऊँ, कैसे भी करूँ मैं मधुबन जाऊँ, कैसे भी उड़ करके मैं मधुबन जाऊँ, मुझे मधुबन जाना है। एक ही धुन थी, मुझे मधुबन जाना है। फिर बड़ी दीदी का एक दिन फोन आया था भाई साहब को, और भाई साहब को कहा, उनको कुछ काम था, तो फोन मैंने उठाया तो भाई साहब ऑफिस गए हुए थे उस समय, घर पे नहीं थे। तो बड़ी दीदी का फोन था, दीदी ने, मनमोहिनी दीदी का, दीदी ने कहा भाई, मैंने कहा दीदी भाई साहब ऑफिस गए हैं। बस मैं तो दीदी के साथ फोन पर बात करके इतना रोई, दीदी मुझे बुला लो, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे बुला लो आप। तो दीदी कहे, तुम मेरी बात तो सुनो, रोना तो बंद करो, हाँ तेरे को मैं बुलाऊंगी। लेकिन मैंने कहा नहीं दीदी, आप मुझे मधुबन बुला लो, मुझे अभी यहाँ नहीं रहना है। तो दीदी ने कहा ठीक है, मैं तेरे को बुलाएंगी, तुम अभी रोना बंद कर, मैं भाई साहब को बोलेंगी, तुमको वो मधुबन भेज देंगे। फिर दीदी ने मुझे मधुबन बुलाया और मैं मधुबन चली गई, और मधुबन गई और मधुबन में 69 से मई मास में मैं मधुबन गई, और तब से ही मैं मधुबन 3 साल रही। और साथ में हमारी दादियों की मुझे बहुत पालना मिली, दादियों का मुझे बहुत प्यार मिला। 3 साल में मधुबन में दादियों के साथ रही, बाबा के साथ रही, इतना परिवार का प्यार मिला, अपनापन मिला। मैं यही कहेंगी, प्यार ने और अपने पन ने मुझे ब्रह्मा कुमारी बनाया, ज्ञान ने मुझे ब्रह्मा कुमारी नहीं आया। ज्ञान तो इतना कोई समझ में नहीं आता था, बस इतना समझ में आता था कि मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा की बच्ची हूँ और मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है। फिर मैं मधुबन में रही दीदियों के साथ, दादियों के साथ, सब दादियों से बहुत स्नेह प्यार रहा। फिर वो समय आया, मुझे दादी ने
काठमांडू नेपाल भेजा। वहां से वहां भी मेरा दिल नहीं लगा, क्योंकि दादियों के साथ रहते थे, बाबा के साथ रहते थे, मधुबन में रहते थे, तो मधुबन जैसा प्यार, मधुबन जैसा वातावरण कहीं नहीं मिलता है। और जो एक बार मधुबन में रह जाता है उसको और कहां दिल नहीं लगती है। तो मैं मधुबन, बस मधुबन की इतनी खींच होती कि मैं मधुबन जाऊं। तो नेपाल में 6 महीने रही और दादी को मैंने कहा, दादी मेरी दिल नहीं है, मैं नहीं रहूंगी वहां। फिर दादी ने मुझे बड़े प्यार से मधुबन में वापस बुला लिया। फिर उसके बाद मैं फिर 6 मास रही और फिर उस बाद में दादी ने मुझे युक्ति से 1 महीने के लिए मैं तेरे को भेजती हूँ सेवा के लिए प्रभा, तुम 1 महीने जाओ। तो दादी ने मुझे बॉम्बे भेजा और बॉम्बे में फिर मैं 1 महीने के लिए गई थी। फिर वहां बॉम्बे में तो दादियां आती जाती रहती थी, इसलिए कैसे भी करके फिर दिल लगाया मधुबन को, तो सेवा करने के लिए फिर मधुबन बॉम्बे में रही और वहां 5 साल सेवा की। उसके बाद फिर मेरे को दादी ने गुजरात भेजा, गुजरात भरूच में आई और भरूच में मुझे रहते हुए 46 ईयर्स हो गए, 40 साल हो गए, और 40 साल से मैं यहाँ सेवा में हूँ। और जो बाबा जैसे सेवा कराता है वैसे मैं सेवा करती हूँ, क्योंकि हमारे जीवन का शुरू से ही एक लक्ष्य था कि जो बड़ों ने कहा मुझे करना है। तो बड़ों की आज्ञा हमेशा हमने सिर माथे रखी और जिस आज्ञा के कारण ही हम इतने आगे बढ़ सके। और बड़ों का मुझे बहुत प्यार मिला, बाबा का भी मुझे इतना प्यार मिला, और वो प्यार ही आज हमें चला रहा है। आज जो हम चल रहे हैं वो बाबा के प्यार में चल रहे हैं, क्योंकि इतना प्यार कोई व्यक्ति नहीं दे सकता है। बाबा का जो प्यार था वो निस्वार्थ प्यार है, जो निस्वार्थ प्यार जो है वो दिल को छू लेता है, दिल को घायल कर देता है, तो वो दिल में सदा बसा रहता है। बाबा भी सदा हमारे दिल में है, अपनी उंगली पकड़ करके चलाया और उसकी उंगली पकड़ करके मैं आज तक भी चलती रहती हूँ। और बाबा जैसे मेरे को कहते, बच्चे ये करो, तो मैं बाबा की श्रीमत अनुसार ही आज तक भी वही कार्य करती रहती हूँ। बाबा मेरे से अलग नहीं है और मैं बाबा से अलग नहीं हूँ, क्योंकि ये जीवन ही हमारी बाबा की है। हम भाग्यशाली हैं कि भगवान ने हमको अपना बनाया, अपना बना करके अपने कार्य में मददगार बनाया। ये हमारा बहुत बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं इस सौभाग्य को सदा, मुझे ये नशा रहता है कि बाबा ने मुझे अपना बना लिया और मैं बाबा की हूँ और सदा ही मैं बाबा की रहूंगी और बाबा की सेवा सदा करती रहूंगी। तो हमेशा हम क्या रहते हैं, हल्के रहते हैं। जब भी हम बाबा से मिलते हैं या बाबा हमको जो भी वरदान देते हैं, तो उन वरदानों को हम हमेशा स्मृति में रखकर चलते हैं, तो हमेशा अपने को लाइट अनुभव करते हैं। मुझे भी बाबा ने हमेशा एक ही वरदान दिया कि बच्ची तुम बहुत हल्की हो, बच्ची तुम बहुत निसंकल्प हो। मैं अव्यक्त बाप दादा से भी जब मिलती थी तो बाबा मुझे एक ही वरदान देता, बच्ची तुम बहुत निसंकल्प हो, क्योंकि मैं कोई संकल्प चलाती नहीं, बाबा जो कहे वो मुझे करना है। तो जब बाबा कहेगा मुझे करना है, अपना कोई संकल्प है ही नहीं, तो हम निसंकल्प हो जाएंगे। जो बाबा कराए, जैसे बाबा कराए, जैसे बाबा चलाए, वैसे हम पर मुझे चलाए, तो हम अपने को बहुत हल्का अनुभव करते हैं। तो मुझे कभी भी अपनी लाइफ कोई मुश्किल नहीं अनुभव हुई, ऐसे एकदम स्मूथ हल्के होकर के चल रहे हैं। अभी भी कभी ये फील नहीं होता है कि कोई कार्य मुश्किल है या जीवन कोई मुश्किल है, नहीं, जैसे बाबा चलाए वैसे मुझे चलना है। एक ही संकल्प, एक ही निश्चय, बाबा मेरा है, मैं बाबा की हूँ,
बाबा ने मुझे अपना बनाया है और मैं मेरे को बाबा को ही अपना जीवन साथी बना करके चलना है। वो जीवन साथी इतना श्रेष्ठ मिला है, उससे बड़ा जीवन साथी कौन मिल सकता है। तो अपने साथी को सदा साथ रख करके हम चलेंगे तो सदैव हल्के रहेंगे। और आप सबने भी तो इसको साथी बनाया है, शिव बाबा को अपना साथी बनाया ना, तो बाबा को साथी बना करके चलते हैं तो बाबा हमें बहुत हल्का कर देता है और ये लाइफ हमारी बहुत अच्छी हो जाती है। तो बाबा के हम हैं और बाबा के ही रहेंगे, बाबा ही हमें चला रहा है और बाबा का भी हम बच्चों से वायदा है। क्या वायदा है? हाँ, कि मैं साथ हूँ, साथ रहूंगा और साथ ले जाऊंगा। तो बाबा के साथ हम जाएंगे ना, सभी बाबा के साथ जाएंगे, बाबा हमें ले जाएगा। हम सबका हाथ किसने पकड़ा है? बाबा ने पकड़ा है। तो हम बाबा का हाथ पकड़ करके चल रहे हैं, बाबा का हाथ पकड़ के चलेंगे तो बहुत हल्के रहेंगे। हमने ये महसूस किया जब हम बाबा का हाथ पकड़ के चलते जैसे हल्के हो जाते। जो बच्चे होते हैं ना, तो बच्चे माँ बाप का हाथ पकड़ते हैं तो वो हल्का रहे, कितना भी बच्चा हुआ निश्चिंत होकर के चलता है। बाप की उंगली पकड़ लेगा तो बाप संभालने वाला चल रहा है, उसको ये नहीं होता है मैं गिरूंगा या क्या होगा, वो बड़ी मस्ती से चलते। ऐसे ही हम बाबा के हाथ पकड़ के चलेंगे तो हम उसी मस्ती में चलेंगे, क्योंकि बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। तो हम निश्चिंत रहेंगे, हल्के रहेंगे और बाबा ने हम सबको इतना हल्का बना दिया है। तो हल्का बनने के लिए बाबा का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ना है। हाथ और साथ बनकर रख कर के चलेंगे तो सदैव हल्के रहेंगे। कोई भी कार्य करेंगे तो उस कार्य में कभी भी महसूसता ये नहीं आएगी कि ये भारी है, ये कठिन है, ये लाइफ ही हल्की कर दी। हमको बाबा ने क्या बना दिया? फरिश्ता। फरिश्ता क्या होता है? हमेशा हल्का उड़ता रहता है। तो हम भी बाबा की याद में उड़ते, जैसे बाबा हमेशा उड़ता रहता था। हमने देखा ना, बाबा ब्रह्मा बाबा थे तो बाबा हमेशा चलता था तो ऐसे लगता था जैसे बाबा उड़ रहा है, क्योंकि बाबा अपने को एकदम हल्का। हाँ, बाबा ने हमेशा अपनी बुद्धि, बाबा मेरे साथ है, जैसे बाबा को था शिव बाबा मेरे साथ है, मेरे से जो कार्य करा रहा है वो मैं कर रहा हूँ। ऐसे हमको भी सदैव बाबा हमारे से जो कार्य कराए हमको करना है। बाबा ने हमारी उंगली पकड़ी है तो कोई भी कार्य हमको मुश्किल अनुभव नहीं होगा। अपनी लाइफ बहुत सहज और सहज हो जाएगी और बाबा के उस प्यार में, बाबा के साथ हम चलते रहेंगे तो ये जीवन के रास्ते हमारे बहुत सहज हो जाएंगे। बाबा ने हम सबको बहुत सहज कर दिया, हल्का बना दिया और उस साथी को साथ रख करके अभी चलते रहना है और उसकी उंगली पकड़ करके ही हर कार्य करना है तो सहज हो जाएगा। ओम शांति। थैंक यू दीदी। कुछ लोगों के कुछ सवाल हैं दीदी। हाँ, जरूर पूछ। हाँ, कि बाबा के लिए आप भोजन बनाती थी तो बाबा भोजन के बारे में, जब आप भोजन बनाती थी तो बाबा भोजन में क्या लेना पसंद करते थे? क्या आपको बाबा कहते थे कि अबे बच्ची, मतलब कैसे आपका कॉन्वर्सेशन होता था उनके साथ? हाँ, क्या बातें हाँ, करते थे भोजन के बारे? भोजन बनाती थी उस समय पर हमको प्रोग्राम लच्छू दादी देती थी। लच्छू दादी कहती थी कि बाबा के लिए ये बनाओ। था ऐसे थोड़ा बहुत भोजन बनाना आता था, खाना बनाते थे, लेकिन बाबा क्या खाता है और कैसा खाता है वो फिर लच्छू दादी हमको सिखाती थी तो हम बनाते। बाबा बहुत सिंपल ही खाना खाते थे। बाबा कोई ऐसे मतलब बहुत हैवी नहीं खाते थे, हल्का भोजन, दाल सब्जी रोटी वही खाते थे बाबा। जैसे सिंधी स्टाइल का भोजन होता ना, मूंग की दाल थी, बाबा को सिंगी मतलब
सिंगी बहुत पसंद थी, वो खाते थे बाबा। पर बाबा कभी ऐसा नहीं बोलते थे कि बच्ची मुझे ये खाना है या वो खाना है। जो बाबा को खिलाते थे वो बाबा बड़े प्यार से खाते, बहुत प्यार से बाबा खाते थे। और मैं जब खिलाती थी तो बाबा मेरे को हमेशा, बच्ची बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा बनाया। बाबा खुद भी खाते थे और मेरे को भी अपने हाथ से खिलाते थे साथ साथ में। दीदी उस वक्त क्या भोग लगाने की सिस्टम थी बाबा जब भी बाबा? हाँ ठीक, उस समय भोग लगाते थे, खाना जो बनाते थे वो भी बाबा को भोग लगाते थे और गुरुवार को भी भोग लगता था। तो ब्रह्मा बाबा के समय से ये भोग लगाने की सिस्टम थी? लगाती थी, और भंडारे में भी जो खाना बनता था वो भी भोग लगाती थी। बाबा तो मिर्ची नहीं खाते थे, बाबा मिर्ची नहीं खाते थे? बहुत हल्का, बहुत बहुत बाबा थोड़ा खाते थे, भोजन बहुत थोड़ा था बाबा। बॉयल सब्जी खाते थे, दाल खाते थे, रोटी बहुत छोटी छोटी थोड़ी खाते थे, बहुत भोजन बहुत मतलब थोड़ा खाते थे। दीदी जब भी आपके अनुभव में कि बाबा जब भी करेक्शन करते थे या शिक्षाएं देते थे तो हाँ किस तरह से आपका अनुभव है कि बाबा सिखाते थे लाइक बच्चों बहुत को? प्यार से बाबा समझाते थे। कभी भी बाबा, वैसे भी देखो हम अनुभव में सुनते हैं ना, तो कभी भी बाबा गुस्से, हमारी दादी निर्मल शांता दादी सुनाती थी कि बाबा को कभी गुस्सा नहीं आता था। बाबा बहुत प्यार से समझाते थे। कोई भी बात करनी होती तो बच्ची बच्ची कह करके बाबा हमको जैसे बोलते थे, और बच्ची बच्ची कहने से क्या होता, जो भी कार्य वो एकदम सहज हो जाता, वो जैसे जो करने वाला तो वो पिघल जाता है। अभी कोई भी बात, बच्ची ये करो, बच्ची ये करो, बच्ची ये करो, बाबा बहुत प्यार से बोलता था। तो दीदी एक बहन पूछ रहे हैं कि उस समय भोग लगाने की विधि क्या होती थी? क्या ब्रह्मा बाबा के सामने लगाया जाता था या कोई बहनें लगाती थी, किस तरह से होता? जैसे अभी हम लोग भोग लगाते हैं, ओके क्लास में लगाते हैं ना भोग, राइट संदेशी बैठती है और बैठ करके भोग लगा के आती है, वैसे ही बाबा के समय भी भोग लगाते थे। संदेशी संदली पर बैठती थी और बाबा को भोग लगा करके आती थी। बाबा देखो मधुबन में तीन संदली थी, श्री हॉल में एक बाबा की संदली थी, बीच वाली जो संदली थी उसके ऊपर संदेशी बैठती थी, और उसके साइड वाली संदली पर मम्मा बैठती थी। तो बीच वाली संदली पर जो संदेशी भोग लगाने के लिए जाती थी वो बैठती थी, और वो बाबा को सूक्ष्म वतन में भोग लगा के आती, और बाबा भी कहते थे बच्ची जाओ बाबा को भोग लगा के आओ। तो दीदी जब भी ये आप जब बात कर रहे हैं तो बाबा के अव्यक्त होने के कुछ साल पहले की बातें हैं ये? हाँ बाबा के अव्यक्त होने के पहले की बात है। मैं ज्ञान में 66 में आई और मैं मधुबन में 68 में रही। बाबा के साथ में ये 68 का अनुभव सुना रही हूँ। 68 में रही, फिर 69 में तो बाबा अव्यक्त हो गए। उसके बाद तो फिर मैं बाद में मधुबन रहने के लिए आई, लेकिन जो ये बाबा के साथ जो मैं रही वो 68 में रही। 68 अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 3 महीने में बाबा के साथ रही। तो और जब बाबा की कर्मातीत अवस्था थी उस समय बाबा बहुत न्यारा और प्यारा था, एकदम न्यारा था बाबा, एकदम बाबा जैसे ने उपराम था। बस थोड़ा ही बाबा काम की बात बोल, जो भी काम होता वो बोला, और फिर जैसे कि बाबा इस दुनिया में है ही नहीं ऐसा अनुभव होता था। तो बाबा काफी डिटैच रहते थे, मीन्स साक्षी ज्यादा रहते थे, ऐसा फील करते थे। न्यारा था बाबा, एकदम फरिश्ते की स्वरूप में रहता था बाबा, एकदम न्यारा था बाबा, जैसे बाबा की याद की मस्ती में ही रहता था। जो बात काम की बात होती, जो बोलना होता था थोड़ा सा बाबा बताया, फिर उसके बाद अपने मस्ती में। तो ऐसा था आप जैसे कह रहे हैं कि अंतिम समय में बाबा क्योंकि वो ज्यादा उपराम अवस्था में रहते थे
तो उसका मतलब ये था कि वो फिजिकली, जैसे पहले बच्चों के साथ खेलते थे, वैसे इस तरह से आपने फिजिकली एक्टिव नहीं देखा, और मतलब उस वक्त नहीं नहीं वो, होंगे ना हाँ बाबा। नहीं वो उस वक्त इतनी नहीं थी। उस समय बाबा आते थे, क्लास कराते थे, बच्चों से मिलते थे, बैठते थे, बात करते थे, बस वही था। दीदी आपको कभी साक्षात्कार हुआ है या कुछ ऐसा अनुभव हुआ है? साक्षात्कार नहीं, लेकिन मेरे को बाबा का साथ का अनुभव हुआ। बाबा मेरे साथ, मैंने सुना है ना कि जब अव्यक्त हुए बाबा, उस समय पर मेरे को ये फील, बाबा जैसे मेरे सिर पे हाथ रख करके खड़ा हुआ है, बाबा साथ में है, ये अनुभव होता था मेरे को। जैसे साकार में साथ में व्यक्ति खड़ा होता है, रहता है, ऐसा फील होता था। जो बाबा सफेद पोशधारी बाबा मेरे साथ है, मेरे साथ है, ये फीलिंग रहती थी मेरे को। और मेरे को दिखता भी था, सफेद जैसा बाबा था वैसे ही दिखता था। बाबा ने हाथ रखा हुआ, जैसे साकार में बाबा सिर पे हाथ रख के खड़ा है, ऐसे मेरे को ये फीलिंग होती थी, बाबा ने मेरे सिर पे हाथ रखा हुआ है, बाबा मेरे साथ है, तो ये फीलिंग थी। तो उस वक्त जैसे जिस तरह से आप अपना अनुभव बताती हैं, तो अच्छा वैसा मुझे नहीं, मुझे ऐसे फील होता है कि उस समय ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा को, जो भी आत्माएं उस वक्त यज्ञ में थी, वो ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के दोनों के प्यार में इक्वली मर्ज रहती थी, ऐसा ना? हाँ, दोनों के प्यार में इक्वल। बाबा और ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा अलग है, ये फीलिंग ही नहीं थी। और ये ब्रह्मा बाबा है, ये भी फीलिंग नहीं, बाबा है, बस एक ही बुद्धि में था, बाबा है। ये तो अभी हम कहते हैं कि बाप दादा आए और बाप दादा से मिलन हुआ, शिव बाबा अलग है, ब्रह्मा बाबा अलग है, उस समय ये फीलिंग ही नहीं आती थी। भले ज्ञान था कि ये ब्रह्मा बाबा है, ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आते हैं, ये नॉलेज थी, लेकिन फीलिंग नहीं थी कि शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा अलग है। जैसे ये लगता बाबा ही है। दीदी, अभी जब हम आत्माओं को कोर्स कराते हैं या उनको समझाते हैं, सूक्ष्म वतन की बातें बताते हैं, तो वो हाँ कंफ्यूज होती है कि हमें ब्रह्मा बाबा के पास सूक्ष्म वतन में क्यों जाना है, योग में सूक्ष्म हाँ वतन में ब्रह्मा बाबा के सामने वो तो सिर्फ हमारा इमेजिनेशन है, कि हमें तो हाँ सीधा शिव बाबा से ही, तो बाबा कहते हैं कि शिव बाबा से ही विकर्म विनाश होते हैं, तो ब्रह्मा बाबा के हाँ पास क्यों जाना है। तो ऐसे क्वेश्चन जब पूछते हैं, हाँ बाबा जो भी उस वक्त जवाब इंस्ट्रूमेंट से दिलाता है वो ठीक है, हाँ लेकिन हाँ क्यों, हमें तो लेकिन कंफ्यूजन हम नहीं ये हुआ लेकिन हाँ औरों को होता है, लेकिन हम शिव बाबा को ही याद करते हैं, हम ब्रह्मा बाबा को तो याद करते ही नहीं है ना। अभी देखो आपसे मेरा और आपका मिलन हो रहा है, तो बीच में साधन तो है ना। अभी अगर ये साधन नहीं होता तो हम कैसे मिलते? नहीं मिलते ना। आपसे मैं अभी बैठ के यहाँ इंडिया से आपसे बैठ के बात कर रही हूँ, तो बीच में माध्यम तो है ना। अगर हमको बाबा से बात करनी है तो बीच में शिव बाबा तो निराकार है। और अभी हम परम धाम तो नहीं, हम तो सूक्ष्म वतन में ही बाबा से मिलन मुलाकात करेंगे ना। क्योंकि क्योंकि जो भी हमें प्यार की भावना होती है, तो वो प्यार की भावना के लिए हमें व्यक्त, बाबा अव्यक्त है मिलन की लेकिन वो विधि। व्यक्त और भाव, क्या होता है, साकार से मिलन का जो सुख और अनुभव है वो हम इस समय ले सकते हैं, क्योंकि हमें संबंध में, संबंध का सुख चाहिए। शिव बाबा भले हमारा पिता है, लेकिन पिता भी कब हमको महसूस होगा? जब यहाँ इस सृष्टि पर आया, ब्रह्मा के तन में आया, तब हमको महसूस होगा ना। तब तक महसूस था कैसे आएगी? वैसे तो हम भगवान को याद करते रहे, भगवान राम राम करते रहे, कृष्ण कृष्ण करते रहे, भले उनका स्वरूप था लेकिन अनुभव तो नहीं किया ना। अभी तो अभी बाबा हमें संबंध दे रहा है, हमारा जो ये संबंध है अभी परिवार की फीलिंग दिला रहा है। और जब तक परिवार की फीलिंग नहीं है तब तक अपनापन नहीं आएगा, और जब तक अपनापन नहीं आएगा तब तक हम उसको याद भी नहीं कर सकेंगे। प्राप्ति नहीं होगी तो याद कैसे करेंगे? शिव बहुत बाबा हमको अभी ब्रह्मा बाबा के द्वारा प्राप्ति कराता है, अभी चाहे शक्ति देता है। और अभी बाबा तो, ब्रह्मा बाबा तो वतन में बैठा हुआ है, अभी निराकार वतन में गया नहीं है ना, परमधाम गया नहीं है। ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन में, तो अभी हम सूक्ष्म वतन में बाबा की पालना ले सकते हैं। बाबा कहते हैं ना, बच्चे तुम अव्यक्त मिलन मनाओ,
तो अभी हम यहाँ बैठ करके बाबा से अव्यक्त मिलन का। अच्छा, और भी कुछ पूछना है? और दीदी ऐसा ही है ना कि अगर ब्रह्मा बाबा के प्यार को और ब्रह्मा बाबा की पालना को अगर हम अच्छी तरह से समझ पाए, और तो ही हम मुरली के भाव को या मुरली की गुह्यता को भी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आपका क्या कहना है उसके बारे में? हाँ, तो मुरली की गुह्यता, मुरली सुनाने वाला कौन है और मुरली क्यों सुनाता है? हाँ, वो हम गुह्यता है कि भगवान जब इस सृष्टि पर आता है तो आकर के हमें हर बात समझाता है। जैसे देखो, छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद क्या, अभी हम बच्चों को अपना बना करके हम बच्चों को बाबा समझाता है, क्योंकि ये हमारी लाइफ है, इस लाइफ को हमें कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे चलाना है, कैसे करना है, वो हमें नॉलेज तो चाहिए ना। तो वो नॉलेज बाबा हमको मुरली में समझाता है। जो बाबा समझाता है उसको हम मुरली कहते हैं, बाबा के महावाक्य कहते हैं। समझ तो चाहिए ना, कोई भी कार्य करने की विधि होती है, नॉलेज होती है। अब जब तक वो नॉलेज नहीं होगी तब तक उस कार्य को कर नहीं पाएंगे। आज एक साधारण सा भी कार्य करना होता है तो उसकी भी विधि होती है, तब उसकी सिद्धि प्राप्त होती है। जैसे मान लो आज आपको एक आटा भी मलना होता है रोटी बनाने के लिए, तो उसकी भी विधि है ना। आप कोई जो नया है जिसने कभी आटा मला ही नहीं है, उसको आप कहो आटा मलो तो वो मल के बुझाएगा? नहीं बता सकेगा। उसकी विधि, कितना पानी डालना है, कितना क्या करना है, उसकी विधि होती है, तब वो कर सकता है। इसी प्रकार से जो हमारी लाइफ है, उस लाइफ को हमें कैसे चलाना है, कैसे आगे बढ़ाना है, क्या करना है, उसकी समझ तो बाबा हमको मुरली में देता है ना, ज्ञान देता है। मुरली माना क्या? समझ, नॉलेज। और जो बाबा ने दी, समझाया है, नॉलेज दी है, उसको ही हम मुरली कहते हैं, उसको ही महावाक्य कहते हैं, जिससे हमारा जीवन बने। जो महावाक्य है जो हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाए, इसलिए उसको मुरली, मीठे शब्द। तो बाबा ने मीठे शब्द सुनाए ना, जो शब्द सुनकर के मन जो है खुश होता है, इसलिए उसको मुरली कहते। जो जीवन की राह दिखाता है, रास्ता दिखाता है, तो वो तो जरूरी है ना। आज मनुष्यों के पास मार्गदर्शन नहीं है, नॉलेज नहीं है कैसे अपनी लाइफ को चलाना है। बाबा ने हम सबको क्या वो नॉलेज दी कि ये जो हमारी लाइफ, हम इतना सुंदर जीवन मिला है, इस जीवन को कैसे जीना है, कैसे चलाना है। मुरली के अंदर बाबा हमको कितनी बातें सुनाता है, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे खाना है, कैसे लाइफ को आगे बढ़ाना है, कैसे खुश रहना है, कैसे औरों को खुश रखना है, सब बातें बाबा हमको सुनाता है मुरली के अंदर। एक एक बात बाबा बताते हैं, इसलिए मुरली तो जरूरी है ना। जो सुनेंगे वो करेंगे, फिर जब तक मार्गदर्शन नहीं मिलेगा तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं सकेंगे, और उसके लिए रोज चाहिए। दीदी, बाबा ब्रह्मा बाबा की पीछे पीछे तबीयत ठीक रहती थी? हाउ वॉज हिज हेल्थ? ही वॉज जी हमारी खुराक है। हाँ हाँ बोलो। दीदी, ब्रह्मा बाबा की जो लास्ट में हेल्थ, जब भी वो अव्यक्त होने वाले थे तभी उनकी तबीयत ठीक रहती थी या नासाज रहती हाँ, थी या नहीं उनकी नहीं तबीयत बहुत अच्छी थी। तबीयत अच्छी थी? हाँ बहुत ओके। अच्छी थी। सो दीदी, हमारे साथ अनुभूति रिट्रीट सेंटर, जो हमारे यहाँ पर रिट्रीट सेंटर है, वहां से हेमा बहन है, और हेमा बहन और हम साथ में सेवा करते हैं, और वो आपको हेलो करने आए हैं, आपका शुक्रिया अदा करने के आए हैं, और धन्यवाद के पुष्प चढ़ाने के लिए हमारे पास पहुंचे हैं। ओम शांति दीदी, कैसे ओम शांति, ओम शांति हेमा दीदी? बेन। आपने हाँ अपना अमूल्य समय दिया। आपने, मैं सोच रही थी कि आपने जो नुमा शाम का योग भी त्यागा हमारे लिए, तो दिल से हाँ थैंक यू। और आपने कितने बड़े प्यारे शब्दों में जो मुरली हमारी जान है इसका महत्व बताया, कि मुरली हम क्यों मिस नहीं करें।
कि हमारी प्यारी चीज है, और सचमुच आपकी बातें हम सभी के दिल को छू गई कि बचपन में ही बाबा ने आपको कैसे टच किया, और आपका सौभाग्य के बाबा के साथ आप रहे। तो आपका अनुभव सुनते हम सबको यही लगता, हम भी वही अनुभव कर रहे थे। तो थैंक यू सो मच दीदी। यहाँ पर सभी अमेरिका से सभी लोग हैं, अमेरिका कनाडा सभी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं आपके साथ, और सभी आपको थैंक यू प्रेजेंट करते हैं, है ना। हम सभी प्रभा दीदी जी को बहुत 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 शुक्रिया ऑफर करते हैं।